स्वागत है तुम्हें सनाउट जी की। दसवीं नतीजे घोषित होने के बाद जिला कठुआ भी खुशी की लहर है। तस्वीरें मैं तुसें दसना चाहूंगी, इसे अस पुजे हैं फोर लाइन जिहड़ा हाई सैकेंडरी स्कूल है उसके पुजे हैं और तुम तस्वीरें दिखा करते हो कि बच्चे जोड़े ने और ढोल नगाड़े पर खुशी जता करते हैं और इतों के जो टॉपर ने स्कूल के साथ कन्ने बेटियां बच्चे स्कूल के वो भी इतने पुजे ने और खुशी जरा जशन का माहौल इसलिए इतने आ। इन्हें पूछने कि किन्ने मार्क्स लेते और इलाके का क्या इन्हें ना रोशन किया। जी बेटा क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम लता देवी है। जी कौन से स्कूल पढ़ते हो? सर मैं गवर्नमेंट हाई सैकेंडरी स्कूल फोर लाइन पढ़नी होनी हाँ। तो मेरे मार्क्स जो 488 आए हैं तो मैं इसी स्कूल च पढ़ी है ये मार्क्स लेते हैं। पढ़ाई की गल करिए तो कि पढ़ाई रही स्कूल कि योगदान है स्कूल का? सर लोग मैक्सीम जो लोग आखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल जी है कि पढ़ाई शैल नहीं होंगी है, पर मैं ये आखना चाहनी है कि इस स्कूल आई है मिगी इन्ना लगे इस स्कूल जी टीचर ने वो काफ़ी वैल एजुकेटड न तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। किस ने आरोप तुम्हारी तरफा बाकी जो बच्चे पढ़ने वाले इसलिए? सर मैं इो आखना चाहनी हाँ कि अपने आप पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए तो रिजल्ट जोड़ा तो मिली आग। बिल्कुल, इन्हें भी आख्या है कि लक्ष्य अगर निर्धारित किया हो बंदा उस टारगेट की सैट करी जाता और जरूर अपने जो लक्ष्य पर जरूर पूछता। एक बेटी साढ़े कन्नै जुड़ा करती उन्हें टॉप किया नरगिस जिंदा ना इन्हें पूछने। जी मेरा नाम नरगिस परवीन है और मैं बहुत खुश हूँ अपने रिजल्ट्स को सुनकर। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने आ जाएंगे, बट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द गॉड बिकॉज ही शोड मी दिस डे एंड विदाउट हिज हेल्प आई कुड नॉट बी एबल टू डू दैट। पेरेंट्स का कोई रोल टीचर्स का कितना है? गॉड के बाद पेरेंट्स का और टीचर्स का सबसे बड़ा रोल है, उन्हीं की वजह से तो आज ये रिजल्ट्स जो है मैंने अचीव किए हैं इतने मार्क्स 490 500 में से। तो यहाँ एक तरफ प्राइवेटेशन की ओर रुझान है बच्चों का, गवर्नमेंट स्कूल में इस तरह के मार्क्स आना क्या कहेंगी सुविधाओं को लेकर? मेरा पहले भी यही था, जब मैं नाइन्थ में स्कूल में आई थी मैंने मतलब पहले मेरा यही मतलब इस तरीके का माइंड था कि मुझे प्राइवेट स्कूल में जाना है। क्या पता गवर्नमेंट स्कूल में प्राइवेट स्कूल के कंपैरिजन में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है या नहीं, बट इस स्कूल में आने के बाद मुझे पता चला कि आई वॉज रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छी रिसोर्सेज प्रोवाइडेड हैं, हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पर बोलने के लिए या फिर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए। गवर्नमेंट स्कूल्स आर बेटर देन प्राइवेट स्कूल। गर्मियों में होता है मतलब अगर हम लाइट की बात करें तो गर्मियों में उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन बाकी तो ठीक है। बाकी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए काफ़ी उन्होंने जो काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की हैं, जो कि बाकी जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं पढ़ने में मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एटमॉस्फेयर की तरफ से वो चाहिए कि गवर्नमेंट उस पर थोड़ा सा वर्क करे ताकि। हाँ जी मैं जो है सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हूँ, UPSC मतलब मैं IAS क्वालिफाई करना चाहती हूँ। समाज के लगता के करने की जरूरत है? मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आर्ट स्ट्रीम लिया, इसकी वजह से काफ़ी लोगों को मतलब ये जो मिसकंसेप्शन है, मैं चाहती हूँ कि मतलब पता नहीं मैं इस काबिल हूँ भी या नहीं कि ये बोल पाऊँ, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि सभी को कहूँ कि शायद मैं थोड़ी सी इंस्पिरेशन के लिए बनूँ कि अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, आप आगे अगर आपका भी IAS में जाने का मन है और आप सिर्फ सोसाइटी की वजह से अपने रिलेटिव्स की वजह से अपनी फैमिली की वजह से आप जो है आर्ट स्ट्रीम नहीं लेते हो कि लोग कहेंगे कि ये पढ़ने में अच्छा नहीं है इसलिए इसने आर्ट स्ट्रीम दी, इसलिए मुझे भी पहले फेस करना पड़ा। कुछ लोगों ने कहा, मैंने तो ये भी सोचा था कि मैं स्कूल में जाके जो है मेडिकल ले लूँगी या नॉन मेडिकल ले लूँगी ताकि इनका मुंह बंद हो, लेकिन फिर मैंने खुद सोचा कि इनकी वजह से मैं अपने आप जो मेरा टारगेट है उसको मैं इतना दाव पे कैसे नहीं रख सकती, और मुझे चलो जो बोलते बोलने दो, मैं जब कुछ बनूंगी तो फिर उनको खुद ही जो उनका आंसर मिल जाएगा। थोड़े फादर साहब क्या कर रहे हैं? मेरे पापा ट्रक ड्राइवर हैं। तो कितना बड़ा तोहफा देता है तुमने? ये उनको बेटर बताए मेरे से। कितनी खुशी है उनके चेहरे पर? बहुत ज़्यादा वो तो होगी। बिल्कुल, इन्हें आख्या कि गवर्नमेंट स्कूल है वो भी किसी को घट नहीं है ना, और इन्हें स्नेह दिता है बच्चे कि अगर उनके घर के लागे गवर्नमेंट स्कूल है तो उत्थे जाइए जरूर पढ़ाई करने, दूर का नहीं सोचन कि अस प्राइवेट स्कूल से जाके उत्थे बड़ी सारी दिक्कतें भी आदि ने। तो तुसें पता है ग्रां का इलाका है, दूर है, दूर जाने पौंदा पढ़ाई वास्ते, टाइम वेस्ट होंदा। तो इन्हें इयै गलाया कि गवर्नमेंट स्कूल जिहड़े ने इसलिए जिहड़े ने वह प्राइवेट स्कूल कोला कोई भी तरीके कन्नै पिछे नहीं हैं। जिहड़े नरगिस दे फादर साहब साढ़े कन्नै जुड़ा करदे, इन्हें पुछने आ। जी सर, के नाम और के करदे हो? सर मेरा नाम जुनैद अली है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। कितनी खुशी का मौका थोड़े सर? बहुत खुशी है, काफ़ी खुशी हुई है कि मेरे बच्ची ने स्कूल के ना रोशन किया, उस इलाके ना रोशन किया है, स्कूल जा सम्मानित किया गया बेटी पिछे, कितनी खुशी हुई है? सर बहुत खुशी हुई है। क्या आखना चाहिए? जो लोग आखते हैं जी बेटियां नहीं होनी चाहिए घर, किस ने आरोप तुम्हारी तरफ? नहीं सर, बेटे को जी बेटियाँ ज़्यादा बेहतर ना, इस ने की बेटियाँ अपनी पढ़ाओ, और अगर जी मोदी साहब ने कहा कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, अच्छा ना रहे उन्होंने। बिल्कुल, नरगिस दे फादर साहब काफ़ी खुश, इनके चेहरे भी खुशी झलका करती है। उन्हें आख्या कि इनकी बेटी ने जो इनका नाँ कटे और शायद एक बेटा इन्हें अगे नहीं ले आता। सर कन्नै स्कूल के प्रिंसीपल जुड़ा करते हैं, उन्हें पूछने। जी सर, कितना खुश?
16 channels.